वालेकुम वाज भाई, कैसे वालेकुम अस्सलाम। हैं वाज भाई? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है। वाज भाई, इतनी दिली खुशी हुई ना कि आप आए, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया था, इनवाइट किया था, आपकी मोहब्बत है आना। अच्छा दोस्तों, ये भाई पर्दे जो आप लोग कह रहे थे भाई कब लगेंगे कब लगेंगे, तो भाई पर्दे लग चुके। जो उसने अभी स्ट्रक्चर बना लिया ना वो जी, माशाल्लाह बहुत है। इसके दांत भी वाज भाई ने भी वीडियो में भी दिखाया, अपने खुलवा के। इवन झिरी तो खैर आना दूर की बात है, बिल्कुल दूध के जैसे दांत हो। कैसा काम चल रहा है वीआईपी समीर भाई? बस गर्मी बहुत है, बाकी सही है, बाकी सब सही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चले अभी आ जाती है, रुकेंगे बिल्कुल आज यहाँ पे। कल सुबह मुझे आइडिया नहीं था कि इतने ज्यादा आपने बच्चे रखे हुए, मगर बहुत अच्छे माशाल्लाह आपने नस्ल वाले बच्चे जो यहाँ पे। कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मिट्टी मोशन दोस्तों, आज का सीन मेरा इंजॉयिंग होने वाला है, मतलब मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छे दोस्त, आपको शायद थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, तो बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे फार्म पे आ जा रहे हैं। हम वहीं पे पहले वो पहुंच गए, हम थोड़ा लेट हो गए, बहुत बुरी बात है जो कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा फंस गया था मैं, एक दो काम थे वो करते हुए आते हैं, तो फार्म पे जब भी कुछ आना होता है तो उस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। वो पहुंच चुके हैं वाज भाई, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वीडियो में भी वाज भाई का कि वो आए। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, उनको फार्म का उनका रिव्यू लेंगे कि उनको किस तरह का लगता है। ये उन पर्सनैलिटीज में से एक हैं जिनको जिनसे मैंने मतलब जिनको मैं एडमायर, अगर शुरू में अगर आप बोले ना, जब मैं शायद इस फील्ड में नहीं था तो मेरे अगर जो मैंने इनको भी बताई है वो दो तीन दफ़ा क्या, जो पसंदीदा यूट्यूबर्स में थे 2018 के दौर में और 17 के, तो वो वाज भाई थे। तो सच्ची बात जो है, लेकिन अभी मैं विज भी करता हूँ वाज भाई के, वो मोटो व्लॉग जो होते थे ना बाइक पे जाते थे बीमारी से पूछते थे, अब वो वाज भाई करते नहीं है, तो मुझे या तो मैं उनको बोलूँगा अभी अब जा रहे हैं तो कि भाई आप वो करा करें, हमारी ऑडियंस भी मेरे ख्याल में पसंद करती होगी जो पुराने वाज भाई के व्लॉग हुआ करते थे 2017-18 वाले, जिसमें वो बाइक पे कहीं भी घुस जाते थे और जाके बस क्या मांग रहे हो वहीं पे गोप्रो लगाया, वो मुझे बड़े मजा आता था उस व्लॉग को देखने में। खैर फार्म पे चलते हैं और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यू करें। वाज भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वाज भाई? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। वाज भाई, इतनी दिली खुशी हुई ना कि आप आए, और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया था, इनवाइट किया था, आपकी मोहब्बत है, आना तो था लाजमी। बहुत शुक्रिया वाज भाई। बाकी वाज भाई, मैंने अभी रास्ते में भी यही बोलता आ रहा था कि आप उन यूट्यूबर में, आपको पहले ही बताई थी बात 2017-18 में, जिनको मैं देखता था और मुझे बड़ा पसंद भी थे, तो मैं आज ऑडियंस से भी कहता ये मोटो व्लॉग मैं चाह रहा हूँ वाज भाई, जरा दोबारा आप स्टार्ट करें, जब बाइक पे आप जाते थे ना वो बहुत अच्छा लगता था हमें ना। वैसे तो आउटडेटेड हो गया आज के दौर में, बट देखेंगे कभी फरमाइश पे कभी इंशाल्लाह। बाकी जरा आप वाज भाई, आपने सारा माल अभी देखा ही है, कवर किया अपनी वीडियो में, तो आपका ऐसा कौन सा, बच्चों में भी और बड़े बछड़ों में भी कौन सा ऐसा जानवर है जो आपको पसंद आया हो? भाई दो तो मुझे बहुत पसंद आए थे, एक तो भाई ये सामने चैंपियन माशाल्लाह, इसका डील डॉल बहुत अच्छा है, खूबसूरती बहुत है इसमें, ब्यूटी सीना बहुत अच्छा बना हुआ है, सलामी बिल्कुल खड़ी है इसकी माशाल्लाह, बिल्कुल गोल मटोल बछड़ा है ये तो। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत फ्रेंडली है जी, मुझे फ्रेंडली बछड़े बहुत पसंद है, तो मैं इसको निकाल के घुमाया था, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, टहलाया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रेंडली बछड़ा था। और एक आगे जो है आपका जो बहुत ही क्लासी चीज है ब्राह्मण, तो ये वाला ये आ गया, बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि इस एज में जो उसने अभी स्ट्रक्चर बना लिया है ना वो माशाल्लाह बहुत है। इसके दांत भी वाज भाई ने भी वीडियो में भी दिखाया, अपने खुलवा के। इवन झिरी तो खैर आना दूर की बात है, बिल्कुल दूध के जैसे दांत होते हैं ना वैसे इसके दांत जी, तो उस पे आप माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर देखें भाई, बहुत माशाल्लाह वजूद है बछड़े का। और ये देखे भाई सीने पे इसकी, ये देखे भाई दस्ते वगैरह चेक करें, मतलब बहुत मतलब बनने वाली चीज जिसे कहते हैं ना चीज है, तो माशाल्लाह 2025-26 जब तक इसको लेके जाए इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा जो है इंशाल्लाह मौजूद करें इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह वाज भाई। और वाज भाई, ये इस हवाले से ये बच्चा कैसा लगा आपको? ये आपका मंडी में फेवरेट होता था आप बता रहे थे। ये मैं इस तरह के मुझे कलर बड़े पसंद आते थे, इस दफा मैंने सोचा भी था, बट वो इस दफा जितने भी कलर के मुझे बछड़े मिले ना सारे रेंज से बाहर थे वो, अच्छा तो हो नहीं पाया, बट बहरहाल माशाल्लाह अच्छा काफी इसका प्रिंट है। और आप बता रहे वहाँ से खीरा है ना? जी जी खीरा है, खीरा आया और खीरे में भी, और प्रोग्रेस भी आपके पास काफी अच्छी, ये इसकी बछड़ी की काफी अच्छी है माशाल्लाह। 3-4 महीने में आप बता रहे थे कि माशाल्लाह काफी इसने कद वगैरह निकाला है, तो माशाल्लाह अच्छी चीज है भी काफी, मतलब इस कलर में और साइड में मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बछड़े का। जज़ाकअल्लाह वाज भाई। और बच्चों में वाज भाई कौन सा लगा? बाकी एक तो ये वेटी में हमारी, ये खुद की बर्थ है हमारी फार्म की ना माशाल्लाह जी, 15 दिन की होगी माशाल्लाह ना ये इस वक्त, तो इसको मैं अगर खड़ा करूँ, उठ नहीं थी जब से आप बैठा बैठा ही देखा है काम करने ना, नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज है माशाल्लाह। और बच्चों में तो मैं पहले तो खैर मैंने आपको देखा नहीं था, गाय और बच्चों वाला खाता, बट जब आपने दिखाया है ना मुझे जी 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 जी, तो भाई बच्चों की आपके पास माशाल्लाह बहुत इम्प्रेसिव कलेक्शन है, और
मतलब इतना मुझे आइडिया नहीं था कि इतने ज्यादा आपने बच्चे रखे हुए, मगर बहुत अच्छे माशाल्लाह आपने नस्ल वाले बच्चे जो यहाँ पे कलेक्शन में रखे हुए अपने माशाल्लाह। और बाकी फार्म कैसा लगा आपको ओवरऑल? आपके पास जगह बहुत है, मतलब ये कि आप प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी तो खैर आप शिफ्ट हुए, जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा करेंगे अपने हिसाब से। और अभी आई थिंक कितने 50 प्लस है ना आपके पास? 50 प्लस हैं जी। तो मेरे ख्याल से 50 प्लस तो 50 मजीद आ सकते हैं इंशाल्लाह। आपका वो तो बनी हुई है, इसमें खुरलियां तो खुरली बनी हुई है, शेड डलवाना है इंशाल्लाह। बस अभी आधा तो डलेगा ही, अभी बाकी आधे का इरादा है इंशाल्लाह अगले साल है। साल तो अभी नहीं है इतने जानवरों का, बाकी बाकी माशाल्लाह बच्चों का कलेक्शन भी आपके पास काफी अच्छा है जी। ये अच्छी लगी शायद मेरे ख्याल में आपको शहजादी? हाँ ये असल में मुझे छुपी हुई है असल में ना। मैं जब आया था ना यहाँ पे सही नजर मारी तो मुझे इसमें समझ में नहीं आया, मुझे छुपे हुए थे। अब ये जो है ना माशा वो लगी तो नहीं भाज भाई? नहीं 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 अच्छा तो देख के बड़ी खतरनाक घुमाई है, जबकि घुमाती नहीं है ये वाली ना। इसको तो हमने अभी मैंने भी इंजेक्शन भी लगवाया था। अच्छा तो शायद इंजेक्शन का डर होगा इसको, हो सकता है बचा तो वही खैर अभी सीजन से पहले कोई इंजरी हो जाती दोबारा लिए शहजादी। अच्छा इसको जो है ना आप मैंने इस खैर मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं खुलवा के इसको जी, माशाल्लाह शामिल भाई के ब्लॉग में तो आप देखते रहते होंगे। बड़ी माशाल्लाह बहुत ब्यूटी है भाई इसमें बछड़ी में, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जब चीज़ बनेगी ना तो भाई निकल के सामने आएगी माशाल्लाह। ये बच्चों बड़ा अच्छा, ये भी इन्हीं ऑनर की है फहीम भाई की, ये महारानी इनका नाम है पांडे फेस में, पांडे फेस में माशाल्लाह भी माशाल्लाह। और ये भी ऐसी है माशाल्लाह, अच्छा बछड़ियों में बहुत कम आता है पांडा फेस जी, ये कलर यूनिक है बछड़ियों में, बड़ा यूनिक कलर होता है और बहुत कम देखा है मैंने बछड़ों में, तो खैर काफी देखे मैंने। और अभी से अपनी माँ के बराबरी पे देखे जरा माशाल्लाह, कितने महीने की? ये 7-6 महीने की माशाल्लाह से, क्या बात है। बाकी ये आपका अपना शहजादा है बच्चा, बच्चा जो है माशाल्लाह से। चलो भाई माशाल्लाह आपने गाय का बहुत अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है, अभी आप बता रहे थे कुछ इसमें से वो भी है मतलब 6-7 महीने की प्रेग्नेंट भी ये है। जैसे 7 महीने की एक खड़ी है अभी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा, गाय में भी आप देखें कितनी ब्यूटी है बिल्कुल ये है कि इंशाल्लाह इसका बच्चा भी कोई अच्छा आएगा टॉप क्लास इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इधर जाने पर उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा आएगा। जितनी माँ भी अच्छी होगी ना साथ साथ उतना और अच्छा रहेगी ब्रीडिंग ना। और बाकी वाजपेयी नूरी, हाँ ये इनकी भाई मशहूर जमाना इसी के नाम पे नूरी कैटल फार्म है, इतनी बड़ी हो गई, छोटा था पैदा हुआ हमने इसको देखा था, इसको तो बिल्कुल ऐसी है पैदा हुए हुए देख रहे हैं हम इसको, अपनी माँ की टक्कर पे आ गई है जी ऐसी है माशाल्लाह। कत में तो वही आ गई है। इसको कब तक का इरादा है आपका? इसका इंशाल्लाह 25 का है तो माइंड है ही है। अच्छा रखना है कुर्बानी खुद की इंशाल्लाह, वरना फिर जी 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 इसको तो खुद करनी है, वरना 26 का भी एक इरादा कहता है कि अगर उस वक्त तक प्रोग्रेस अच्छी रही तो 2026 में फिर करेंगे, करनी खुद ही है इंशाल्लाह इसकी तो। अच्छा अच्छा जी, इससे तो भाई खास मोहब्बत है, जब नाम भी फार्म का इसी के नाम पे रखा गया है भाई, इसके बाद से बहुत सी चीजें चेंज हो गई ना वाज भाई, खुद ही माशाल्लाह। ये बात भी है मतलब एक तरीके से आपके लिए लकी हो गई है। हाँ ये लकी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात। ये कुछ कलेक्शन है रसगुल्ला, और ये अच्छा रसगुल्ला कौन सा? ये वाला है रसगुल्ला हमारे पास बच्चा, ये खाने में माशाल्लाह जो है ना ये मस्त है बच्चे ना। अच्छा माशाल्लाह अच्छी बात माशाल्लाह। साहिवाल का वाजपेयी वो उधर है जी जी, छोटा वाला जी, ये तो लाल नुखरे में हमारे पास ना ये भी, लेकिन आपका अपना साहिवाल में ही लाल नुखरा है क्योंकि जिस तरह की इसकी झालर वगैरह है ना वो वाला लाल नुखरा नहीं है ये, बिल्कुल जो दूसरा वाला होता है माशाल्लाह अच्छा है ये। बस ये तो इस साल की कुर्बानी का है क्लाइंट की, ये वाला भी अच्छा अच्छा जी, और ये वाला भी कुर्बानी का है लेकिन है ये भी मतलब इस साल वाले जानवर हैं ये। अच्छा इस साल के जी ठीक है, ये रहा वो साहिवाल वाला बच्चा जिसकी आप बात कर रहे थे, मैं वही वहाँ नजर नहीं आया था ना खाते में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह एक कलर का है ना पूरा ही? जी 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 पूरे पूरे एक कलर का, साहिवाल में एक कलर का ही बड़ा जो है ना वो अच्छा समझा जाता है जी भाई, कलर भाई। में होता है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके फार्म पे आके, और कलेक्शन भी अच्छा है और फार्म भी माशाल्लाह काफी बड़ा है, आपको गुंजाइश बहुत है तो बड़ी खुशी हुई भाई 4-5 महीने की प्रोग्रेस आपकी देख के कि माशाल्लाह इतना आपने कलेक्शन जमा कर लिया, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आप आए, और फिर आना है आपने इंशाल्लाह ताला, जब थोड़ा तैयारी का वक्त आ जाए, ईद उल फितर के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम। थक गया तो नहीं गया आसिम भाई? चल नहीं नहीं समीर, कैसा काम चल रहा है? वीआईपी समीर भाई, बस गर्मी बहुत है बाकी सही है, बाकी सब सही जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें अभी आज जाते हैं, रुकेंगे बिल्कुल आज यहाँ पे, कल सुबह से स्टार्ट करेंगे, ये सब पूरा करेंगे। पीछे वाला तो आप कर चुके एक दीवार, बिल्कुल वो मैं भी दी, ये अभी आधा तो हो गया ना तकरीबन, ये कह सकते हैं आधे से ज्यादा हो गया वाली दीवार तो, जो छुपाई हुई अभी ग्रेफिटी जो चल रही है भाई। आसिम भाई बड़ा मेहनत का काम कर रहे हैं और बिल्कुल ये भी अच्छा, बहुत अच्छा लगा आसिम भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने हाथ से ये चीज़ ड्रॉ की है, और क्योंकि बड़ा मुश्किल एक एक चीज़ ना बनाना, बहुत आपने हर चीज़ को परफेक्टली बनाया है, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने आकर के पेनाफ्लेक्स ही लगा दिया। बेफिक्र हो जाए, ये बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फिर रिवील करेंगे, और फिर आपका आसिम भाई का नंबर मैं चलाऊंगा, तो इंशाल्लाह जरूर रब्ता करना है। ये आप लोग अपने घरों में भी करा सकते हो, ये नहीं कि आप सिर्फ फार्म में करा सकते हैं, ये ग्रेफिटी आप जो है वो किसी भी जो आप सिर्फ डिजाइन, आज से सिर्फ डिजाइन देना आसिम भाई को, और डिजाइनर भी हमारे पास मौजूद है, उसका नंबर भी हमजा का चला देंगे इंशाल्लाह ताला, तो उससे डिजाइन बनवाए वाले और आसिम भाई से काम करवाए। आसिम भाई को आपने पेपर पे डिजाइन देना है, और फिर आसिम भाई का काम है बाकी, ऐसी है जी जी। अच्छा दोस्तों, ये भाई पर्दे जो आप लोग कह रहे थे भाई कब लगेंगे, तो भाई पर्दे लग चुके हैं आधे शेड में, आधे में अभी लगना बाकी है। पर्दे किस तरह के बने हैं, ये सिंपल बने, डिज़ाइनिंग नहीं की इसमें, लेकिन ये अच्छे मोटे पर्दे बनवाए गए, तो ये पूरा शेड जो है पूरा आप देखें ऊपर तक सारे उस शेड में लगे हुए हैं पर्दे, और बड़ा बेहतरीन एक सिस्टम किया हुआ है। पर्दे भी लग गए सर्दियों की तैयारी। इमदाद भाई जी, ख्याल रखना है बाड़े का इंशाल्लाह ताला भी, और ये है कि आपका अपना पर्दे लग गए, आधे आपने लगा दिए, आधे भी लगा दो कल तक इंशाल्लाह, सही है, कल कोशिश करो कि कल परसों हो जाए, बाकी अभी डॉक्टर के चले जाओ तो तबीयत ख़राब हो रही है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।